हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज दिशांत। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, राइट। सो ये सब देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली राइट, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कब आप काम आएगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, राइट। सो सपोज हमारी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने साइन इन बटन है, राइट, उसके अंदर हमने एक साइन इन टेक्स्ट लिखा है, राइट। सो सपोज को कल आपको क्लाइंट कहता है, नहीं मुझे यहाँ पे साइन इन की जगह लॉग इन टेक्स्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा साइन इन से लॉग इन में, राइट। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। सो जनरली एक दो दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लाइव आएगी, राइट। सो इतने छोटे से चेंज के लिए आपको प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट, एंड दो तीन दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। सो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, बेसिकली आपकी वैल्यूज जो हैं, राइट, इंस्टेंटली चेंज हो जाती है आपकी यूआई के ऊपर, राइट, जो कि आपने सेटअप कर रखी होती है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं यार रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करने के लिए, राइट। सिंपली आपको क्या जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंगेज फीचर के अंदर, यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमें पैरामीटर ऐड करना है, राइट, यहाँ पे। सो पैरामीटर का नेम कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ये की होनी चाहिए, राइट, और यूनिक होना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर साइन इन बटन को चेंज करना है, राइट। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं लॉग इन सबमिट टेक्स्ट, राइट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम साइन इन यूज़ करें, तो यहाँ पे सिंपली हम साइन इन लिख देते हैं, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करना है, एंड देन पब्लिशिंग चेंजेस पे क्लिक करना है। सो आपकी एक रिमोट की जो है आपकी ऐड हो चुकी है। अब हमें इस पर्टिकुलर रिमोट की को, राइट, अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, और जब भी ये रिमोट की यहाँ से चेंज होगी, राइट, यहाँ पे हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारी एप्लीकेशन में भी चेंज हो जाएगी, तो वो फटाफट कर लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपली आपको फायरबेस का जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे जाना है, राइट, टूल्स के अंदर जाना है एंड फायरबेस के अंदर जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको रिमोट कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सर्च करना है। सो यहाँ पे हमें रिमोट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे सेटअप करना है इसे। सो हमारी ऐप ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ऐड रिमोट कॉन्फ़िगरेशन टू योर ऐप पे क्लिक करना है। सो उसके बाद ये लाइब्रेरी ऐड कर देगा हमारी बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल के अंदर, तो इसे हमें सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, सो हमारी रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके बाद हम क्विकली हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, राइट, कि कैसे हमें रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करना है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्ट को सेटअप करना होता है, राइट, एंड रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की डिपेंडेंसी को ऐड करनी होती है, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का एक इंस्टांस बनाना होता है, राइट, एंड उसके बाद हमें उसके अंदर सेटिंग्स को प्रोवाइड करना होता है रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंस हम साइन इन एक्टिविटी के अंदर रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम साइन इन एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक रिमोट कॉन्फ़िगरेशन फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, राइट, एंड ओन क्रिएट के अंदर, राइट, यहाँ पे हम फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टांस ले लेते हैं, राइट, और इसमें सेटिंग को सेट कर देते हैं, राइट। ये भी बिल्कुल ईजी है। सो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हमें फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कैट इंस्टांस, राइट। यहाँ पे हम सेटिंग्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स इक्वल्स टू मिन्यू फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डॉट बिल्डर। सो यहाँ ओके, सो यहाँ से हटा देते हैं।
ओके सो यहाँ पे हमें सेट मिनिमम फेच इंटरवल इन सेकंड करना है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे 3600 सेकंड्स हैं, विच इज़ इक्वल टू 60 मिनट. सो ये बेसिकली वो टाइम है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट, फायरबेस जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर इस की को चेंज करेगा, राइट? सो बाय डिफॉल्ट 60 मिनट है, तो 60 मिनट के बाद देखेगा कि हमारी इस पर्टिकुलर ये जो की है वो चेंज हुई है या नहीं हुई. सो लेकिन हम जो ऐसे स्मॉलर कर देते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे 60 सेकंड्स यूज़ कर लेते हैं, राइट? एंड देन उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे बिल्ड करने और फायरबेस रिमूवर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर से सिंपली सेट कर देना. सो सेट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एसिंक्रोनस, एंड देन यहाँ पे हमें सिंपली फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑब्जेक्ट पास कर देना. ओके सो उसके बाद देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है. उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, राइट? सो सपोज फायरबेस, सपोज यहाँ से वो हमारा वैल्यू नहीं उठा पाया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर हमारी सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, राइट? वो प्रोवाइड करनी है. उसको प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम मैप यूज़ कर सकते हैं या फिर हम XML फोल्डर के अंदर, राइट, एक फाइल बना सकते हैं और उसके अंदर हम मैप यूज़ कर सकते हैं. तो हम सेकंड वाला तरीका यूज़ करेंगे. तो उसके लिए आपको सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रिजल्ट में जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको एक XML फाइल, XML फोल्डर बना लेना है, डायरेक्टरी बना लेनी है XML फोल्डर, राइट? इस XML डायरेक्टरी के अंदर आपको एक सिंपली यहाँ पे एक फाइल बनानी है, लॉगिन डिफॉल्ट वैल्यू, राइट? अगेन आप नाम कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे सिंपली हमें इसे ओके करना है, यहाँ पे हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? सो उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है, एंड यहाँ पे हमें एक मैप यूज़ करना है, डिफॉल्ट मैप, डिफॉल्ट मैप, एंड उसके अंदर हम एंट्री डालनी है, राइट? एंट्री के अंदर हमें की डालनी है, राइट? और इसकी वैल्यू भी डालनी है हमें. यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, राइट, जो कि हमें सबसे पहले चाहिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि हमारे साइन इन है. तो यहाँ पे हमें सिंपली साइन इन लिख देते हैं, राइट? क्योंकि की जो है वो हमारी जो हमने फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे ऐड की थी उसका नाम सेम होना चाहिए. तो लॉगिन सबमिट टेक्स्ट यहाँ पे हम सेम की ऐड कर देते हैं. ओके उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर. सिंपली यहाँ पे सेट डिफॉल्ट एसिंक्रोनस के अंदर r.xml.login defaults वैल्यू को ऐड कर देना है, राइट? सो ये बेसिकली यहाँ पे लॉगिन डिफॉल्ट्स वैल्यूज के फाइल के अंदर जाएगा और यहाँ पे हमारी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा. ओके सो ये तो हो गया हमारा कैसे हमने रिमोट कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर दिया. अब हमें जो हमने रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू ऐड किए, राइट, उसे गेट करना है, तो वो भी बिल्कुल ईजी है. सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जाते हैं, राइट, गेट करने के लिए, राइट, यू सी फैच एन एक्टिविटी वैल्यूज. सो इसे करने के लिए हमें सिंपली फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर फैच एन एक्टिवेट एसिंक्रोनस मेथड यूज़ करना है, राइट, एंड सिंपली यहाँ पे अपने डेटा को सेट कर देना है. सो वो भी हम कर लेते हैं. सो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, गेट वैल्यू फ्रॉम फायरबेस कॉन्फ़िग. ओके सो इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, देन यहाँ पे हमें सिंपली फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग डॉट फैच एंड एक्टिवेट मेथड को कॉल करना है, यहाँ पे वन कंप्लीट लिसनर की कॉल बैक लगा देनी है. ओके सो यहाँ पे हम सिंपली चेक कर लेते हैं कि टास्क सक्सेसफुल है या नहीं. इफ टास्क सक्सेसफुल, एल्स यहाँ पे हमें सिंपली एक टोस्ट दिखा देना है, राइट, फैच फेल, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे. एंड देन अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो जाता है, सिंपली हम एक लॉग दिखा देते हैं, लॉग डॉट आई, राइट, साइन इन,
एक्टिविटी एंड यहाँ पे टास्क डॉट गेट रिजल्ट्स दिखा देते हैं। सो बेसिकली ये हमारा बुलियन मेथड है, तो हमें इसे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के साथ रैप करना होगा, तो वो भी कर देते हैं हम इसे। सो ये बेसिकली यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएंगी, राइट। ट्रू वैल्यू तभी आएंगी जब हमारा टास्क यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारे पास नई वैल्यू आएगी, नहीं तो यहाँ पे हमारी फॉल्स वैल्यू आएगी। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये वाली वैल्यू को हमें यूज़ करना है, राइट। सो जब भी ये हमारी वैल्यू चेंज होगी तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैक मिल जाएगी और हम उसे हमें UIP अपलोड कर सकते हैं। सो हमें उसके लिए सिंपली यहाँ पे गेट कर लेना है, राइट। सो स्ट्रिंग एक्स इक्वल्स टू 5s कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, राइट। अगेन आप यहाँ पे आप बूलियन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मेथड भी हैं, राइट। गेट बूलियन, गेट डबल, गेट लॉन्ग, सारी वैल्यूज का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको की प्रोवाइड करनी है, राइट, जिसे आप गेट करना चाहते हो। सो इन आवर केस लॉगिन सबमिट टेक्स्ट की का नाम है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें सिंपली इस साइन इन बटन पे टेक्स्ट जो है सिंपली डाल देना है, जो कि हमें फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन से मिला है। एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, साइन इन बटन भी क्लिक करते हैं। सो इनिशियली हमारी साइन इन वैल्यू है, सो हम इस लॉग को भी देख सकते हैं। लॉग कैट में जाते हैं, इन्फो पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे साइन इन एक्टिविटी लिखते हैं और सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे वैल्यू ट्रू आई है, राइट। सो सिंस हमारे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राइट साइन इन नहीं था, तो यहाँ पे सिंपली हमारा साइन इन ही आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, राइट। साइन इन को यहाँ पे हम लॉग इन कर देते हैं, राइट। एंड होप सो ये चेंज हमारे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। सो इसे हम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमें पब्लिश चेंज कर देते हैं, राइट। सो ये हमारा चेंज पब्लिश हो चुका है। सो हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। ओके, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू लॉगिन हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पे भी हमारी लॉगिन है, राइट। सो दैट्स इट। ऐसे ही आपको कुछ भी चेंज करना है, राइट। सपोज आपको यहाँ पे ईमेल की वैलिडेशन को चेंज करना है, राइट। सपोज आपकी यहाँ पे एक फ़ोन नंबर फील्ड है, राइट, उसके अंदर आप 10 डिजिट ही इनपुट करा रहे हो यूज़र से, लेकिन कई कंट्री के अंदर आपको इशू आ रहा है, राइट। सो आप सिंपली फायरबेस के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप वैल्यूज को, राइट, कभी भी चेंज कर सकते हो, राइट, और वो इंस्टेंटली आपकी जो है वहाँ पे चेंज हो जाएगी, राइट। सो दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके, राइट, UI की वैल्यूज़ को चेंज करा सकते हैं, वैलिडेशंस को चेंज करा सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल माई सोर्स कोड इज़ अवेलेबल ऑन माई गिटअप प्रोफाइल, सो आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट फायरबेस की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।